नाम लगूंग गाइस। अच्छा, हमारे साथ जो है वो दो एनालिस्ट साथ हैं आज डिस्कस करने के लिए। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच हुआ है, उनसे पूछते हैं कि क्या उनके तासुरात हैं इस T20 के ऊपर और जानते हैं उनके बारे में। हमारे साथ आज मौजूद हैं शारिक भाई, एक्सपर्ट एनालिस्ट क्रिकेट के, और ये सैफ भाई, अनदर एक्सपर्ट एनालिस्ट, जिनका रमजान टूर्नामेंट खत्म हो चुका। मैच देखा आज का? पूरा मैच मैं पूरा नहीं देख सका क्योंकि मैं नली बिरयानी खाने गया हुआ था अपने। कहाँ की? कादरी नली बिरयानी। आपने फाइनल का व्लॉग देखा था क्या? नहीं, मेरे दोस्त का व्लॉग देखा था। ओह माय गॉड, उनका व्लॉग देखा था। मैच पे आते नहीं देख पाया मैं। मैंने स्कोर कार्ड देखा और थोड़े बहुत देखी जो फेसबुक पे वीडियोस आती है। तो में मैंने सिर्फ साइम की बैटिंग देखी जो कि अच्छी बैटिंग कर रहा है। आपको एक बेडलक हो गया उसके साथ जो कि रन आउट हो गया, वरना वो सेंचुरी के करीब जा सकता था। T20 में सेंचुरी मुझे लगता है फौरन बनेगी उसकी। नहीं बनेगी, जैसे उसके पास शॉट्स है ना। क्या कहना आप इस बारे में? क्या कहना चाहूँगा कि बाबर का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता वर्ल्ड कप हमारे सर पे है, वर्ल्ड कप की हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल कर रही है। बाबर का फॉर्म में आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि पावर प्ले जब यूटिलाइज कर सके, यूटिलाइज करें। और बाबर की फॉर्म बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड कप। वैसे भी अभी T20 वर्ल्ड कप नहीं है, इस बार तो बड़ा वर्ल्ड कप है इस साल, तो टाइम है अभी बाबर के पास सेट होने में। टाइम है लेकिन स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि काफी टाइम से फेल होते आ रहे हैं इंटरनेशनल मैचेस में स्पेशली। बाबर ने आज 9 रन बनाए शायद 7 बॉलों पे। तो वो कैसा लगा? मतलब डर के खेल लेते हैं क्या कर रहे थे कुछ बताए? जब आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई होती तो आपको बुरा अच्छा बॉल भी या बुरा बॉल भी हो ना तो उसमें भी आप आउट हो जाते हो। तो इसमें ये है, क्या कहते हैं, उसको वर्किंग करनी पड़ेगी थोड़ा। और फखर के बारे में क्या कहेंगे? उसने भी थोड़ी अच्छी इनिंग खेली है। फखर तो खेलता ही है ना हमारा, वो तो है ही। पाकिस्तान है। आप क्या कहना चाहेंगे फखर के बारे में? हमारी बॉलिंग लाइन में बहुत लाहौर गांव की बोली लाइन खेली थी आज, तीनों पैसा शाहीन ऐसा लोग इंक्लूड नहीं किया कोई वजह? यार हमारे पास भी पूरे 5 T20 है, तो जाहिर है ये विभिन्न नसीम को भी मौका मिलेगा, नवाज को भी मौका मिलेगा, एहसान उल्ला को बिल्कुल जाहिर है मौका मिलेगा। तो और हमें जाहिर है, मैंने आपको कहा वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो सबको चांस मिलेगा, ऐसा नहीं है। पहले मैच में ट्राई किया, अच्छा अच्छी बॉलिंग करी, नेक्स्ट मैच इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्राई करेंगे। पिच के हिसाब से कॉम्बिनेशन ट्राई करे जा रहे हैं ना, पिच के हिसाब से। आपको क्या लगा ये पिच स्पिनर की थी या फास्टर की थी? ये शादाब विकेट था, इसमें स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं था, है ना। ये बाउंस विकेट था थोड़ा, जहाँ पे आप स्लो ऑन करोगे तो आप भी जाना। पहले 3 बॉल में पिटा है, 2 चौके, 1 छक्का खाया उसने। न्यूजीलैंड के बॉलर ने स्लो ऑन बहुत अच्छे यूज करिए, तो उनके बॉलर इतने अच्छे फास्ट बॉलर नहीं पिटे, स्पेशली निशम हो गया, मैट हेनरी हो गया, इनके आप स्कोर चेक करिएगा 4 ओवर में 30 रन 32 रन, और हेनरी तो हैट्रिक किए। हाँ, शादाब है, इफ्तिखार है, लास्ट विकेट शाहीन की है जिसमें बहुत अच्छा कैच लिया फील्डर ने। लेकिन शाहीन की उनसे पहले ओवर में इतना खास बॉल लगा नहीं, वजह कोई वजह बता सकते हैं या कुछ? क्या वजह? असल में टाइम बाद आया, PSL खेला था, उसके बाद ब्रेक आया बीच में, तो थोड़ा ये हो गया। रिदम पकड़ेगा, ऐसा नहीं पहला मैच था, रिदम पकड़ेंगे हमारे जाहिर है मेन बोला नहीं है, तो इंशाल्लाह अगले मैच में। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग कराई वैसे, ये बात तो माननी पड़ेगी। उसने 2 ओवर में आई थिंक 8 रन दिए, कितने रन दिए जो पहले 2 ओवर में जीते? पहले 2 ओवर में 8 रन दिए और 1 विकेट। 2 ओवर नहीं देखे अगर मैंने तो पूरा उसको बता रहा हूँ मैं, 4 ओवर में 18 रन, 3 या 4 विकेट लिए हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है क्योंकि वो काफी टाइम बाद मैन ऑफ द मैच लेके गया है। अच्छा, लेकिन एक एडवांटेज पाकिस्तान को ये भी तो है ना कि ए टीम बी टीम आई हुई है न्यूजीलैंड की, ये कुछ फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता? इससे फर्क पड़ता जरूर है, लेकिन देखो उनके पास पूरा ऑप्शन था, वो अपनी ए टीम भेज देते, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम तो अपनी फ्रेंड खिलाएंगे ना। अभी लास्ट टाइम इंडिया जो खेलने गई थी, ये भी टीम खेलने गई थी, ऐसा कुछ नहीं है, ये टीम थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल मैच में अगर कोई बंदा खेल रहा है तो वो भी टीम निकल आएगी। और हारिस को इंक्लूड नहीं किया, कोई वजह कुछ बता? इन्होंने कहा शारिक भाई ने कि हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे। क्या लगता है अगर हारिस मतलब इंक्लूड हो तो कौन बैठेगा? कोई मतलब इफ्तिखार बैठेगा या कौन? इफ्तिखार सीनियर प्लेयर है, उसकी बैठने की बनती नहीं है या जूनियर की नहीं है? यहाँ पे बात यह है कि अभी जो आप आ रहे हैं इस साल वर्ल्ड कप है वो 50 ओवर्स का है, वहाँ चाहिए एक्सपीरियंस। अगर इनकेस कभी किसी मैच में 3-4 रन आउट हो जाते हैं शुरू पे, तो आपको एक्सपीरियंस बेटर चाहिए जो क्या इनिंग को संभाले। हारिस अपनी नियत दे सकते हैं, लेकिन हारिस जो है अभी इतना मेच्योर नहीं है, अभी वो गिनती का T20 आज खेला है पाकिस्तान से, अच्छा लड़का है, परफॉर्मर है पाकिस्तान का, आगे जरूर चांस मिलेगा उसको। और इमाद वसीम का क्या बोलेंगे आप? उन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर आखिर का एक या 2 ओवर कराए, एक ओवर कराना उन्होंने, जाहिर है जैसे मैं आपको शारिक भाई ने पहले बताया स्पिन विकेट नहीं था तो और लेफ्टी भी खड़े थे जिसकी वजह से उन्होंने इफ्तिखार को रिप्लेस किया। बाबर आजम ने अच्छी कैप्टनसी करी और इमाद को फिर जब लेफ्टी इमाद को लेफ्टी भी क्यों नहीं देते कोई वजह? मतलब मुझे एक ऑफ स्पिनर लेफ्टी को अच्छा फंसाता है इस वजह से, बिकॉज लेफ्ट आर्म जो बॉलर है ना, एक तो वो चाइना मैन नहीं है, वो ऑर्थोडॉक्स बॉलर है जिसका ज्यादातर बॉल जो है अंदर की साइड आता है राइट हैंडर के लिए। सही, अगर आप लेफ्ट आर्म को छोड़ोगे ना तो बिल्कुल बाहर जाएगा, वो LBW होने का चांस ही नहीं है उस पर। सही, तो इसलिए वो मिल जाएगा, राइट हैंड जो बेटर होते हैं उसके लिए ज्यादा अच्छा साबित होता है, इसीलिए जो है इफ्तिखार को लगाया, यूटिलाइज किया, लेफ्ट हैंडेड बेटर ज्यादा लगे हुए थे।